चैप्टर 611 में चैप्टर संख्या 5 में चल रहे हम नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं के अंदर विश्राम कोण। सारी बातें घर्षण से संबंधित चल रही है। पिछली क्लास में हमने घर्षण पढ़ा, घर्षण के प्रकार पढ़ लिए, घर्षण को कम करने की विधियां पढ़ ली। अब एक बात और इसमें घर्षण से संबंधित वो ये विश्राम कोण। विश्राम कोण नाम से पता चलता है, विश्राम का मतलब जहां वस्तु रेस्ट कंडीशन में हो। रेस्ट कंडीशन का मतलब है वस्तु वहां पर किस अवस्था में हो, स्थिर अवस्था में हो, रुकी रहे। कोण भी है, इसका मतलब किसी तल का, किसी तल का जो किसी कोण पर है, किसी क्षितिज से, वह अधिकतम झुकाव जिस पर वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है। कैसे कि जैसे मान लो हमने कोई ये इस तरह का सतह बना रखी है, ढलान बना रखी है, हमने यह वस्तु ये रख दी और ये स्थिर अवस्था में रह सकती है। अब हमने ये इस तरह से बढ़ा दिया, अब यहां पर ये वस्तु हम रख रहे हैं, तो ये क्या स्थिर अवस्था में रह सकती है? नहीं रह सकती। दिखाई दे रहा ना, इजी वे में नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? क्योंकि हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, कोण बहुत ज्यादा है। क्या कहेंगे? कोण जो है वो बहुत अधिक है। कोण किसके साथ बन रहा है? अगर सामान्य अगर यहां रख दें तो कोई यहां कोण जीरो है, यहां कोण है ही नहीं, क्षितिज का नहीं है ना, क्षितिज के साथ तल का कोण, तल यही तो है, यही तो क्षितिज तल है, कोई कोण नहीं है। इसलिए यहां पर इजी वे में कोई भी वस्तु रख दो, रुकी रहेगी। अब जैसे जैसे ये झुकाव हम बढ़ाएंगे, कोण बढ़ाएंगे, वैसे वैसे डिपेंड करेगा कि वस्तु स्थिर रहेगी या नहीं रहेगी। तो सबके लिए अलग अलग कंडीशन होगी ये। तो यहां वह अधिकतम झुकाव कोण जिस पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है, इसको आनत तल बोल देते हैं। आनत, आनत का मतलब झुकाव ही होता है, आनत लिख देते हैं इंग्लिश में आनत तल, तो ये झुकाव ही होता है। तो वह अधिकतम झुकाव कोण किसे, क्षितिज से, जिस पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है उसे कहते हैं विश्राम कोण। अब हमें इसका फॉर्मूला निकालना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, वैल्यू निकालनी है कि ये कोण कितना होगा, किस बात पे निर्भर करेगा। इसके लिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था प्रतिक्रिया बल, उसमें हमने एक डायग्राम बनाया था कि कोण जब होता है किसी क्षितिज से तो वहां पर mg डिवाइड हो जाता है साइन थीटा में और कोस थीटा में, और वही घटकों के रूप में विभाजित हो जाते हैं और उसी से इक्वेशन हमें प्राप्त होती है, और उसी का ही साइन पार्ट जो होता है वही वस्तु गति करवाता है, वही उसको नीचे लेके आता है। अब ये नहीं, अभी सतह पर सीधी पे रखी है तब तो वस्तु गति नहीं कर रही, तब तो हमें खींचना पड़ेगा तो गति करेगी, और अगर ऐसी सतह है तो उसपे वस्तु वही है रख दिया लेकिन अपने आप आ जाएगी, तब कोई उसमें कोई भूत थोड़ी आ गया, तो अपने आप आ जाएगी। अब क्या हुआ है उसके अंदर, अब उसका जो द्रव्यमान है वो ही भार के रूप में काम करेगा, mg काम करेगा नीचे की तरफ, वो जो mg है उसका ही एक घटक उसको बल प्रदान करेगा, हमें लगाने की जरूरत नहीं है, उसका भार जो है वही उसके लिए धक्का देने का काम करेगा, हम धक्का नहीं देंगे वहां तो भी वस्तु खिसक जाएगी। लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं, विश्राम कोण की बात कर रहे हैं, तो वो अधिकतम कोण होता है जिसके लिए कहां से, क्षितिज से आनत तल पर अधिकतम कोण जिस पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है, यानी क्षितिज से वह अधिकतम झुकाव जिस पर वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है। जैसे मान बात कर लेते हैं, डायग्राम बना देता हूं मैं, सिंपल सा डेरिवेशन कर लेंगे इसको, इस तरह से चाहे बढ़ा दो चाहे मत बढ़ाओ, यहां ये झुकाव है तो ये कोण हुआ क्या थीटा, हमें बताना है कि ये बात किस पे निर्भर कर रही है, यही तो है झुकाव कोण, यही है विश्राम कोण। यहां पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है, स्थिर अवस्था में रहती है तो उस पर घर्षण जो काम करता है गति से ठीक पहले एफ एस का मान मैक्सिमम होता है, घर्षण को एफ से लिखते हैं, स्टैटिक स्थिर अवस्था में जो घर्षण होता है उसको एफ एस से लिखते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन, और गति से ठीक पहले उसका मान अधिकतम होता है इसलिए उसको लिखते हैं एफ एस मैक्सिमम। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, एफ एस मैक्सिमम गति से ठीक पहले की स्थिति है, अधिकतम झुकाव है, इससे ज्यादा होते तो गति करने लग जाएगी इसलिए मैक्सिमम कंडीशन है। यहां पर हमने कोई वस्तु रख दी, ये जी वो वस्तु, इसका भार हमेशा किधर काम करेगा, किधर, नीचे की ओर, प्रतिक्रिया बल हमेशा कैसे काम करेगा, कैसे, सतह के लंबवत, ये बात ध्यान रखनी है, सतह के लंबवत जिस सतह पर वस्तु रखी गई है,
तो इसके ऐसे भी काम करेगा, इसका लंबवत घंटा का लंबवत किधर आएगा 90 डिग्री, इधर आएगा, तो इधर क्या काम करेगा आर। अब आर से अब एम जी देखें, आर के बिल्कुल विपरीत पार्ट लें तो ये दिशा होनी चाहिए थी, ये क्षेत्रीय है, इससे एम जी का कोण कितना बढ़ेगा, उतना ही बढ़ेगा जितना ये कोण है, क्योंकि ये तली तो है, सिंपल था, सीधा था, तब यहां था, ये जितना झुका ये एम जी भी उतना ही झुक गया इधर, ठीक है। तो यहां पर एम जी के दो घटक हो गए, एक हो गया ये वाला घटक एम जी कोस थीटा, जिसके साथ कोण बनता है, वो कौन सा घटक होता है, कोस घटक। दूसरा इसके ठीक लंबवत ये वाला जो घटक है वो क्या हो जाएगा एम जी, अब दिख रहा है हमें कि एम जी साइन थीटा इसको ये नीचे की ओर खींच रहे हैं, नीचे की ओर खींच रहे हैं, ये इसको नीचे लेके आता है, लेकिन यहां पर फ्रिक्शन इतना है कि विश्राम कोण का मान अधिकतम है, वस्तु गति नहीं कर रही है, तो घर्षण गति के विपरीत लगता है तो वो इधर लगेगा, उस घर्षण को क्या लिखते हैं हम एफ एस, और यहां इसको क्या लिखेंगे स्थिर अवस्था में है, इसीलिए अधिकतम मान है, इससे ज्यादा होते ही, इससे ज्यादा कोण होते ही वस्तु क्या जाएगी नीचे लुढ़क जाएगी। हमें क्या बताना है विश्राम की, विश्राम में रहे अधिकतम कोण पर, विश्राम में रहे वो अधिकतम स्थिति हम लेके चल रहे हैं, इसलिए स्थिर अवस्था का मैक्सिमम मान है ये, तो पॉइंट है मैक्सिमम, इसलिए इसको एफ एस मैक्सिमम लिखते हैं, तो हम यहाँ उसी का यूज करेंगे। अब आपके पास आगे डायग्राम से तो परिभाषा आप इसमें नोट कर लें, वह अधिकतम झुकाव जिस पर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है, क्षेत्रीय से वह अधिकतम झुकाव कोण, झुकाव कहते हो झुकाव कोण एक ही बात है, अधिकतम झुकाव जिस पर वस्तु स्थिर अवस्था में रह सकती है विश्राम कोण कहलाता है। अब चित्र से देख लें, समीकरण में बढ़ा लें और थीटा का मान निकालना है, दिख रहा है थीटा आ रहा है ना, साइन थीटा कोस थीटा आ रहा है, तो हमें यहां से थीटा सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए वही बातें बहुत बार सोल्व कर चुके हैं, चैप्टर खत्म होने को आगे तो हो गया, लगभग एक दो क्लास और देखेंगे इसमें। तो यहां से ये देखें तो क्या आ रहा है, एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एफ एस मैक्सिमम, एक समीकरण। दूसरी क्या आएगी, ये तो इसके तो एम जी के तो टुकड़े कर ही दिए, कोस थीटा और साइन थीटा इसका यूज नहीं करना है, आर के बिल्कुल अपोजिट कौन से है एम जी कोस थीटा, तो एम जी कोस थीटा इज इक्वल टू आर, अब कर दो डिवाइड, क्या निकालना थीटा निकालना, झुकाव को हमेशा टेन थीटा से लिया जाता है, टेन थीटा का मतलब झुकाव होता है लंबे अपना, इसीलिए टेन थीटा निकालना, तो साइन बटे कोस कर दे, साइन बटे कोस, तो एक बटे दो करते, एक में दो का भाग करने पर, तो आ जाएगा एम जी साइन थीटा बटे एलएचएस में एलएचएस का भाग दे दो और आरएचएस में आरएचएस का भाग दे दो। एक बात और, यहां एफ एस, एफ एस बराबर क्या होता है यूएस इंटू आर होता है, तो एफ एस मैक्सिमम बराबर भी क्या होता है वही, क्यों घर्षण कोण तो किस पे डिपेंड करता है पदार्थ, तो यहां यूएस ही रहेगा उसके लिए, तो ये यूएस मैक्सिमम नहीं लगाना है, ठीक है, यूएस तो क्या घर्षण गुणांक है, गुणांक स्थिर अवस्था में वही है, चाहे वस्तु गति करे चाहे नहीं करे, गतिशील होती है तो घर्षण गुणांक हम यू के लेते हैं, चाहे स्थिर अवस्था का न्यूनतम मान है चाहे अधिकतम मान है, एफ एस मैक्सिमम हो घर्षण तो भी म्यूएस ही रहेगा, या म्यूएस मैक्सिमम कर देना कोण गुण, ये तो गुणांक है, ठीक है, स्थिर अवस्था के लिए सब जगह सेम है, तो यहां से इसका मान रखते हैं म्यूएस इंटू आर, एम जी से एम जी कैंसिल हो गया, साइन बटे कोस क्या हो गया टेन थीटा, और इसकी जगह रख देंगे म्यूएस इंटू आर, भाग में भी क्या है आर, कैंसिल आउट, तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया म्यूएस, और ये इसका कोस है, यानी झुकाव कोण का मान किस पे डिपेंड करता है, घर्षण गुणांक पे डिपेंड करता है, घर्षण गुणांक जितना होगा झुकाव कोण भी उसी के अनुसार होगा। यहां से थीटा लिखना चाहे तो या थीटा बराबर लिखें तो टेन इधर आके इनवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स म्यूएस, ऐसा भी लिख सकते हैं आप, दोनों का मतलब एक है, कोई ज्यादा खास बात नहीं है, इन फॉर्म ऑफ थीटा यूज करें, देन वी कैन राइट एज थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यूएस, अदरवाइज वी कैन राइट टेन थीटा इज इक्वल टू म्यूएस, तो भी वही बात है। तो ये विश्राम कोण का
का फॉर्मूला है, विश्राम कोण का द्रव्यमान है वो किस पे निर्भर करता है, यहाँ से निष्कर्ष आ गया। ये निष्कर्ष जरूर लिख लें कि विश्राम कोण का मान घर्षण गुणांक पर निर्भर करता है। विश्राम कोण का मान लिख लें इसको थोड़ा शॉर्ट में, बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक आप इसको पढ़ें, रिवाइज जरूर करते रहें सभी।